तो जब से आपके बच्चे पैदा हुए हैं जी, अपने बच्चों को देखा आपने? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका रंग कैसा है, ये मतलब कि दिखने में कैसे हैं। तो 7 साल 6 साल से आपने बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं देखा? मैं 15वें साल से कुछ नहीं देख सकती। 15 साल से आप कुछ नहीं देख सकते? बिल्कुल भी नहीं, मतलब इन आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता? नहीं, अपने शरीर में से एक अगर एक हिस्सा भी चले जाएगा तो उसका दुख नहीं होता जितना आंखों का हो जाता है। तो दोनों आंखों से आपको बिल्कुल नहीं दिखता? मुझे नहीं दिखाई देता। आपके बच्चों की उम्र कितनी होगी? मेरे 6ठे साल में लग रहा है ये वाला तो जी, और छोटा वाला बड़ा वाला 7वें में लग रहा है। एहसास तो होता होगा अपने 2006 में गई थी, अब तुम देख लो कहां अपने बच्चों को नहीं देख पा रही है। आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर यही मतलब कि कहीं पे काम मिल जाता है तो कर लेते, एक दिन करते 10 दिन नहीं करते, क्योंकि उनके पैर में पोलिया है ना। आज भी काम के लिए गए क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, तो कहने लगे उनको लो मैं चले जाता हूँ, तो होटल पे बर्तन धोने के लिए गए, बर्तन धो रहे हैं। आपकी आंखों में क्या बताया डॉक्टर ने? मतलब आपकी नस जो है ना वो ब्लॉक हो चुकी। तो अभी राशन वगैरह है घर पे? नहीं कुछ। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम रुकैया। रुकैया, अभी हम जिला बागपत में हैं और बागपत का ये बागपत में पड़ता है ना ये गांव, बागपत का एक गांव है और इसका नाम फिरोजपुर है, और फिरोजपुर में एक परिवार है, ये हमारी बहन है, इनका नाम रुकैया है, रहने वाली दिल्ली की हैं और पिछले 15 सालों से ये ब्लाइंड हैं, कुछ भी नहीं देख सकती। और अफसोस की बात है कि इन्होंने 7-8 साल से अपने बच्चों को भी नहीं देखा, सिर्फ एक एहसास करती हैं कि हाँ मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, घर भी इनको किसी ने दिया है रेंट पे, 20-25 गज का इनका मकान है, घर में अभी खाने को कुछ नहीं है। सच में नहीं है, वाकई में कुछ नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आप बच्चे बीमार हो जाएं। रुकैया ये बताओ, कभी बच्चे जिद भी करते हो किसी चीज़ की? कभी बच्चे ये भी कहते हैं अम्मी ये दिला दो, अम्मी वो दिला दो, बाहर आइसक्रीम वाला आता होगा तो कैसे? चौमिन वाला आता है लेकिन मैं पकड़ के घर में ले आती हूँ, मगर बाबू पैसे नहीं फिर दिलवा देंगे। बच्चे को कुछ हो जाए, बुखार हो जाए, 1 रुपया भी नहीं है पास में, लेकिन मैं अपना दर्द बहुत छुपाती हूँ, छुपता नहीं भाई साहब, मुझसे छुपता नहीं अपना दर्द। बहुत एहसास होता है मुझे दादी की का। अल्लाह ने तुम्हें 2 बच्चों से नवाजा है, वही तुम्हारी आंखें हैं, वो बड़े होंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनेंगे। और आज से इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पढ़ाई की जो भी खर्चा आएगा मैं लेता हूँ, ठीक है? बड़े हो नहीं, पक्का इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं साल के साल का जो भी होगा, ठीक है अरुणा, मैं आपके दोनों बेटों का जो भी खर्चा होगा मैं इंशाल्लाह भरूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप मेरी देखोगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस फैमिली के लिए मैं कुछ कर पाऊं, कुछ फंड इकट्ठा कर पाऊं, इंशाल्लाह जो भी हमसे मदद होगा इनकी पूरी मदद की जाएगी। अभी फ़िलहाल तो मैं सिर्फ देखने आया था, ठीक है ना, मैं कुछ मदद करने नहीं आया था, सिर्फ मैं तो बहन तुमसे मिलने आया था, मुझे ये अरुणा है त्यागी, इन्होंने बताया था कि ऐसी एक फैमिली है जो बहुत ज़रूरतमंद है, तो सिर्फ मैं मिलने के लिए आया था आपसे। बहन ये तुम्हारे भाई की तरफ से कुछ पैसे रख लो, ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है? मैं भाई हूँ तुम्हारा, और भाई है ना बहन पे एहसान नहीं करता कुछ, रोना नहीं है। रोना नहीं बेटा, मैं देखो
न मैं तुम्हें जानता, न सिर्फ दर्द एक महसूस कर सकता हूँ कि हाँ एक कितना दर्द होगा तुम्हें, तुम्हारी तुमने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी किसी फैमिली को नहीं देखा आपने। अरुण ने मुझे बताया था, मैं तो सिर्फ पता लेने के लिए आया था आपका। हर महीने मैं राशन आपको भेज दिया करूँगा। अभी भी अरुणा मेरी गाड़ी में राशन रखा हुआ है, ठीक है, वो निकलवा के इनको दे दीजिएगा। और आपके दोनों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा मैं लेता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे स्कूल खुलेंगे आप अरुणा से बात कीजिएगा। तो अरुणा, जो भी आसपास अच्छा स्कूल हो, एक मिडिल क्लास फैमिली इसमें अफोर्ड कर सकते हो, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आप एडमिशन दिलाइएगा। जो भी खर्चा होगा हम पूरी कोशिश करेंगे। हिम्मत मत हारो, तुम बहुत बहुत बहादुर लड़की हो, क्योंकि 15 साल से तुम जिस हाल में हो मुझे, मैं समझ सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम लोगों का। अगर चाहते हो कि इनका शोहर एक अच्छी ज़िंदगी जिए, इनका फैमिली एक अच्छी ज़िंदगी जिए और उनका कर्ज भी उतर जाए, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए। ऐसे लोगों की मदद किया करो जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह हाफिज़। यही मदद करते रहें, सपोर्ट करें। शुक्रिया।